नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट पर और मैं हूँ आपके साथ रितिका। माँ ये वो शब्द है जिसके मायने तो बहुत हैं, लेकिन इसे शब्दों में बयां करने की सोची तो ये संभव नहीं है। माँ शब्द के पीछे एक नहीं बल्कि कई चेहरे और जिम्मेदारियां होती है। माँ अपने बच्चे की न सिर्फ पहली शिक्षक होती है बल्कि उसकी हर जरूरत का ख्याल भी रखती है। माँ जो प्यार जीवन भर में एक बच्चे को देती है वो शायद ही कोई और दे पाए। माँ और बच्चे के अटूट प्रेम की एक ऐसी ही कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको हैरान कर देगी। जी हाँ, ये कोई झूठ नहीं बल्कि सच्ची घटना है। दरअसल महाराष्ट्र के मुंबई की एक 81 साल की बुजुर्ग ने किडनी डोनेट करके रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने अपने 56 साल के बेटे के लिए किडनी दान दी। नवी मुंबई के अपोलो हॉस्पिटल में माँ और बेटे का ऑपरेशन डॉक्टरों ने किया। डॉक्टरों का दावा है कि देश में इतनी उम्र में किडनी दान करने वाली महिला ने अब रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले कभी किसी बुजुर्ग ने किडनी डोनेट नहीं की है। किडनी डोनेट करने वाली महिला का नाम कला शशिकांत शाह है और उनके बेटे राजेन को साल 2020 में किडनी फेल होने का पता चला था। राजेन को हफ्ते में 4 बार डायलिसिस करानी पड़ती थी। डॉक्टरों ने उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी थी। राजेन के लिए किडनी की तलाश शुरू हुई लेकिन किडनी डोनेटर कोई नहीं मिला। इस पर कला ने अपने बेटे के लिए खुद की किडनी डोनेट करने की बात डॉक्टरों से कही। अपोलो में राजेन की सर्जरी करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि बुजुर्ग की इस पहल पर वो भौचक्के रह गए थे। डॉक्टर परेशान थे कि इतनी बुजुर्ग किडनी आखिर कैसे ली जाए और फिर उन्होंने टेस्ट करने का तय किया और कला के कई टेस्ट हुए। टेस्ट से ये पता चला कि कला की किडनी ठीक है और उनकी शारीरिक हालत भी किडनी डोनेट करने के लिए अच्छी है। इसके बाद कला की एक किडनी निकालकर डॉक्टरों ने बेटे राजेन को लगा दी। पहले डॉक्टरों ने कला की एक किडनी निकाली और उन्हें ऑपरेशन थिएटर से ICU ले जाकर रखा। इसके बाद संरक्षित किडनी को राजेन को लगा देने की प्रक्रिया पूरी शुरू हुई। इस सर्जरी में करीब 14 घंटे का वक्त लगा। राजेन को टाइप 2 डायबिटीज भी है। इसके अलावा वो हाइपरटेंशन के मरीज भी है। घाटकोपार के रहने वाले राजेन पेशे से IT का काम देखते हैं। अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टरों के मुताबिक सर्जरी के बाद माँ और बेटे दोनों स्वस्थ हैं। 81 साल की कला शशिकांत हर रोज सुबह जल्दी उठती है। वो समय पर ठीक से भोजन भी करती है और सक्रिय भी रहती है। तनाव नाम की चीज उनके चेहरे पर कभी नहीं दिखती। तो दोस्तों, माँ के अपने बेटे के लिए दिखाए गए त्याग और प्यार भरा हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो आगे देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।